हाँ तो हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग सीरीज में जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिलेंगी क्लास 11th। जी हाँ गाइस, ठीक है। जैसे कि आपको हमारे हमारे चैनल पर आपको क्लास 10 से रिलेटेड, क्लास 11 से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बैनर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। दैट इज द फुल एक्सप्लेनेशन, इन दी पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा इस चैप्टर का, ठीक है। हाँ तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आता है वो है हमारा कि वॉट इज कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर है क्या, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वॉट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देखिए, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है विच कैन प्रोसेस द रॉ डेटा अंडर द प्रोग्रामिंग कंट्रोल एट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो देखो, बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो कि हमें अच्छी तरीके से अपना रॉ डेटा को प्रोसेस करके हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, ठीक है, एक सही रिजल्ट देता है, ठीक है, मीनिंगफुल रिजल्ट, ठीक है। मीन्स इसमें कोई भी गलती नहीं होती है, ठीक है, मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, ठीक है। हाँ तो चलो अब हम देखते हैं इसके आगे, ठीक है। अब देखो, कंप्यूटर तो हमें सारी चीज़ें दे देता है, सारी चीज़ें एफिशिएंटली करता है, ठीक है। अब इसके पीछे कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे, ठीक है, तो हम कंप्यूटर से वर्क नहीं कर सकते, कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। हाँ तो देखो, अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखो बेसिकली हार्डवेयर जो होता है आउटपुट होता है, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया तुम्हारा, ठीक है, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, ठीक है, ये सब चीज़ें तुम्हारी आउटपुट में आती हैं, ठीक है। ये तुम्हें एक डेटा को दिखाती हैं, ठीक है, जिससे तुम अपना काम कर सकते हो। जैसे कि प्रिंटर तुम्हें प्रिंट आउट देता है, ठीक है, साउंड तुम्हारा तुम्हें गाने सुनाता है, ठीक है, मॉनिटर जो वो तुम्हें पूरा डिस्प्ले दिखाता है, ठीक है। अब देखो, ये तो डिस्प्ले तो चलो हो रहा है, ठीक है, प्रिंटर में चलो हो रहा है, ठीक है, सारा काम हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, उसके लिए सॉफ्टवेयर होता है ना कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में जब आप जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर में आप सॉन्ग बजाएंगे तब जाके वो साउंड से आउटपुट निकल के आएगा ना, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, म्यूज़िक प्लेयर हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा म्यूज़िक प्लेयर हो गया, ठीक है, म्यूज़िक प्लेयर हो गया, या हमारा एम एस वर्ड हो गया, ठीक है। तो जितनी चीज़ें होती हैं ये सारी हमारी आती हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं अपना कंप्यूटर का, मैंने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, कि कैसे काम करता है, उसका इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट क्या होता है, ठीक है, और सीपीयू क्या होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले, ये पार्ट 1, ठीक है। और फिर पार्ट 2 में हम बात करेंगे मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो वो आपको आगे पता चलती जाएंगी जैसे कि हमारी वीडियोज़ आती जाएंगी, ठीक है। तो हमने चलो इंट्रोडक्शन की तो बात कर ली, अब हम देख लेते हैं जरा ये बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता है, ठीक है, इट रेफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग हाउ इट कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू वन अदर, ठीक है। अब देखो, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है कि जो हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर डिवाइस है, आखिर वो चलता कैसे, अकेले तो नहीं चलता, उसके लिए सारे पार्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो सारे पार्ट्स कैसे चलते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये बताता है कि कैसे वो कनेक्टेड है और कैसे चलते हैं, ठीक है। तो देखो, जो तुम्हारा सीपीयू होता है, ठीक है, जो तुम्हारा सीपीयू होता है, अब देखो उसके अंदर बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा ALU होता है, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, ठीक है, तुम्हारा कंट्रोल होता है, ठीक है, तुम्हारा कंट्रोल होता है और तुम्हारा रजिस्टर होता है, ठीक है, तुम्हारा कंट्रोल होता है, रजिस्टर होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे कंप्यूटर में होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो तुमने इतना देख लिया, अब देखो ALU, CPU, ALU होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है, तुम्हारा कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो ये सब कैसे काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर जो होता है वो IPO होता है, ठीक है, IPO जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, IPO। अब देखो IPO क्या है, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, क्या है, इनपुट, ठीक है, प्रोसेस और फिर आउटपुट, फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो पहले तुम इसमें कुछ इनपुट करते हो, ठीक है, फिर वो प्रोसेस कट ऑफ इट वो रिजल्ट निकाल के दे देता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा प्रिंसिपल, ये कंप्यूटर में फॉलो होता है, ठीक है। हाँ अब देखो, तुम यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक है। अब ये तो नोट कर लो, ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, ठीक है, जब लाइट होगी तभी वो काम करेगा, ठीक है। और
अब तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चलते हैं, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती, क्योंकि देखो सीपीयू जो है ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ लाइट चली गई तो यूपीएस जो होता है ठीक है, यूपीएस होता है वो चार्ज होता है ठीक है, उससे तुम्हारा कंप्यूटर थोड़ी देर तक चल सकता है ताकि तुम अपना सारा डेटा सेव कर सको ठीक है, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक नहीं चलता है ठीक है। तो चलो ये तो बात कर ली, अब हम ज़्यादा बात कर लेते हैं इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट होती क्या है ठीक है। हाँ तो देखो तुम्हारा इनपुट यूनिट क्या होता है ठीक है, इनपुट यूनिट देखो बनता है इनपुट डिवाइसेस जो कि तुम्हारे में अटैच होते हैं ठीक है। एग्जांपल जैसा इनपुट यूनिट हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, MICR हो गया ठीक है, और OMR हो गया ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनपुट होती हैं तुम्हारी ठीक है, तो इन सब चीज़ों से इनपुट प्रोसेस होता है। अब देखो इनपुट प्रोसेस जो होता है वो इनपुट तभी करता है जब वो जो तुम्हारा डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ठीक है, ताकि तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो उसे अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है ठीक है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वही कंप्यूटर समझता है ठीक है, जैसे कि 0 और 1 मीन्स ट्रू या फॉल्स ठीक है, बस यही वो समझता है ठीक है। और इस तरीके से तुम्हारा जो होता है वो प्रोसेस होता हो जाता है तुम्हारा जो भी तुमने कर रखा है ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, तो ये सब जब तुम इनपुट करते हो तब जाके वो काम करता है ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हारी आती हैं इनपुट में ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनपुट कंप्राइजेस ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ठीक है, जैसे कि तुम्हें डेटा है ठीक है, जैसे कि तुम्हें 2 और 3 ऐड करना है ठीक है, तो डेटा तुम्हारा क्या रहेगा 2 और 3 और इंस्ट्रक्शन तुम क्या दोगे उसको ऐड ठीक है, तब जाके वो ऐड करेगा ठीक है। अब जैसे कि तुम्हें हेलो वर्ड बोलना है ठीक है, तो हेलो वर्ड तुम पहले डेटा दोगे और फिर प्रिंट क्या करोगे इंस्ट्रक्शन में जाके तुम उसे प्रिंट कर दोगे ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा जो इनपुट है वो काम करता है ठीक है। अब देखो इनपुट यूनिट जो है वो डिफरेंट इनपुट यूनिट से कंप्राइज होती है ठीक है। अब देखो कॉमन डिफरेंट यूनिट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है। अब कॉमन इनपुट यूनिट्स क्या होते हैं तो देख लो यहाँ पे तुम देखो, पहला हो गया कीबोर्ड, दूसरा हो गया माउस और तीसरा हो गया तुम्हारा माइक ठीक है। अब देखो ये कैसे काम करता है, कीबोर्ड जो होता है वो एक टाइपराइटर है समझो ठीक है। अब वो कैसे काम करता है, विच इज़ यूज टू टाइप द लेटर्स ठीक है, डिजिट्स या कमांड हम उसको यूज़ करते हैं ठीक है। दूसरा हमारा जो माउस आता है वो हमें किसी चीज़ पे पॉइंट आउट करने के लिए काम आता है ठीक है। हाँ, जैसे कि हमको कोई फोल्डर खोलना है, कोई फाइल खोलनी है, तो हम उससे माउस से हम खोल सकते हैं उसे ठीक है। फिर आता है माइक्रोफोन, उससे क्या है हम इनपुट डिवाइस मीन्स उसे जैसे कि वॉइस रिकग्निशन वाला अब आ गया है, पहले नहीं आते थे, अब ये चीज़ें आ गई, अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही ठीक है। तो हम माइक से अपनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ कंप्यूटर में ठीक है, माइक से हम बोल सकते हैं, उसको कमांड दे सकते हैं कि तुम ये ओपन करो ये ना ओपन करो ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है तुम्हारी इनपुट यूनिट में ठीक है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट यूनिट क्या होती है ठीक है। तो आउटपुट यूनिट बेसिकली देखो आउटपुट यूनिट क्या है, ये आउटपुट यूनिट से मिलके बनता है ठीक है। अब आउटपुट यूनिट क्या होती है देखो, जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहोगे ठीक है, एग्जांपल में ग्राफिकल कार्ड हो गए, ऑडियो विजुअल फॉर्म हो गया ठीक है, और तुम ये वाले ये जो है ये सब तो कॉमन है ठीक है, कॉमन मीन्स जो पॉपुलर आउटपुट है ठीक है, जैसे कि पहला हो गया मॉनिटर हो गया, फिर प्रिंटर हो गया, फिर स्पीकर हो गया ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी कॉमन आउटपुट यूनिट है ठीक है। अब मॉनिटर क्या करता है, ये हमारा जो आउटपुट है टेलीविजन स्क्रीन जैसे होती है वैसे ये हमें सारी चीज़ें डिस्प्ले करके देता है ठीक है। प्रिंटर का तो वो तुम्हें जो तुम्हारा डेटा होता है, जो तुम्हारा फॉर्मेट होता है ठीक है, जैसे कि तुम्हारा कुछ लेटर है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, उसे वो प्रिंट आउट करके दे देता है, एक हार्ड कॉपी देता है ठीक है। और उसके बाद अगर तुम देख लो स्पीकर की बात करें तो स्पीकर क्या है, वो तुम्हें एक देखो स्पीकर जो भी है इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में वो तुम्हें साउंड पहले रिसीव करता है और फिर वो तुम्हें आउटपुट में सॉन्ग सुनाता है ठीक है। हाँ, तो तभी तो तुम गानों को किसी भी चीज़ को तुम सुन पाते हो ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आउटपुट यूनिट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है जरा आप कमेंट करके बता दीजिएगा हमें ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, तो ये तुम्हें समझ आ गया। चलो अब हम देख लेते हैं जरा अपना सीपीयू देख लेते हैं सीपीयू क्या होता है ठीक है। देखो सीपीयू बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ठीक है। सीपीयू क्या है तुम्हारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब ये क्या है ठीक है, तो मैं देखो बताता हूँ ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द मेन कंट्रोल सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, इट ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ठीक है। अब सीपीयू क्या है, इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं ठीक है। अब देखो क्यों कहते हैं, तो देखो एज इट गाइड्स डायरेक्ट एंड कंट्रोल्स ठीक है, ये पहली बात तो कंप्यूटर को गाइड करता है ठीक है, उसके बाद तुम्हें उसे डायरेक्ट करता है ठीक है, उसे कंट्रोल करता है ठीक है, उसे गवर्न करता है मीन्स उसे कंट्रोल करने की बारी आती है, डायरेक्ट करना होता है, कंट्रोल करना होता है, गवर्न करना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कौन करता है, हमारा सीपीयू करता है ठीक है। अब देखो इसके सब कंपोनेंट्स होते हैं ठीक है, और वो जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को प्रोसेस कर पाता है जो भी टास्क हो रहे हैं। अब देखो वो सब कंपोनेंट्स होते क्या हैं ठीक है, उनके बारे में ज़रा जान लिया जाए ठीक है। तो देखो इसको हम पहले मिटा देते हैं ठीक है। हाँ भाई, तो चलो अब हम देखते हैं सब कंपोनेंट्स ठीक है।
तो देखो सब कंपोनेंट्स जो हैं ठीक है वो तुम्हारे हैं ALU, ठीक है। पहला तुम्हारा हो गया ALU, ठीक है। पहला तुम्हारा ALU हो गया, दूसरा तुम्हारा हो गया CU, और तीसरा तुम्हारा हो गया रजिस्टर, ठीक है। अब देखो ALU, CU, रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। तो ALU जो होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसका क्या काम होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। और रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर ही है, ठीक है। तो चलो इसकी मीनिंग भी जान लेते हैं। तो देखो ALU क्या होता है, बेसिकली ये फोर अरिथमेटिक और लॉजिकल इक्वेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि तुम्हारा प्लस माइनस हो चुका है, ठीक है। प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, सारी चीज़ें तुम्हारी इसमें ये बताता है, ठीक है। हाँ सॉरी, तो देखो इस ये हो गया स्मॉलर देन या ग्रेटर देन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये बताता है, कौन बताता है? हमारा ALU बताता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब देखो ALU क्या होता है, फॉर लॉजिकल ऑपरेशन द नंबर्स टू बी कंपेयर आर सेंट फ्रॉम मेमोरी टू ALU वेयर द कंपेरिजन टेक्स प्लेस एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द मेमोरी, ठीक है। अब देखो ALU जो होता है बेसिकली हमारा कंप्यूटर जो मैंने आपको पहले बताया वो बाइनरी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है जो कि ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है, ठीक है। या तो तुम्हारा आंसर ट्रू में देगा या तो फॉल्स में चलेगा, ठीक है। ये चल रहा है, ठीक है, ट्रू है, नहीं चल रहा है तो फॉल्स है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा ये आंसर देगा, ठीक है। हाँ अब देखो क्या होता है कि इससे क्या होता है, ये जो ट्रू फॉल्स है ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को डिसीजन लेने में, ठीक है। कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को डिसीजन लेने में, ठीक है। तो चलो भाई हमने ये भी देख लिया, अब हम आते हैं कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट आखिर क्या काम करता है? ALU का तो हमने पहचान लिया है, ठीक है। अब देखो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इस तो पहले हम इसे इरेज कर देंगे, है ना। अब देखो कंट्रोल यूनिट होता है, इट गाइड्स द इंटरप्रिटेशन फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है भाई, जान लेते हैं जरा हिंदी में हम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो CU जो होता है कंट्रोल एंड गाइड्स, ठीक है, इट इंटरप्रिटेशन फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑल डेटा, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए सुपरवाइजर बाय कंट्रोलिंग, ठीक है। अब CU क्या होता है, ये एक सुपरवाइजर की तरह एक्ट करता है कंप्यूटर में, ठीक है, एक सुपरवाइजर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, देखो इट बाय कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग द ऑपरेशन टेकिंग प्लेस, ठीक है। जो भी ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है उसे वो गाइड करता है, ठीक है, उसे कंट्रोल करता है, ठीक है, कि वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। इट सेंड्स द सिग्नल्स इन अंटिल द रिक्वायर्ड प्रोग्राम आर डन प्रॉपरली बाय ALU एंड मेमोरी, ठीक है। ये जब तक सिग्नल नहीं भेजेगा जब तक हमारा परफॉर्म पूरा जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाता, ठीक है। अब इसका अनदर इंपॉर्टेंट वो फंक्शन अगर जान ले तो इज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम, ठीक है। हाँ अब देखो क्या बात आती है कि विच देखो देन द आस्क्ड ऑपरेशन इज कैरीड आउट आफ्टर द वर्क ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, कंट्रोल यूनिट सेंड सिग्नल टू मेमोरी टू सेंड दी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन CU, ठीक है। अब देखो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट ये क्या करता है, फ्लो ऑफ द डेटा को भी कंट्रोल करता है कि वो मेमोरी से मेमोरी में जा रहा है, क्योंकि जहाँ से इनपुट से आउटपुट में जा रहा है ना, तो मेमोरी से ही जा रहा होगा, इनपुट से आउटपुट में जा रहा है, ठीक है, तो उसे भी वो कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब फ्लो ऑफ द डेटा जो है उसे भी कंट्रोल करता है, ठीक है, जब वो इनपुट से आउटपुट में डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है, कॉपी कट पेस्ट जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये भी हमने जान लिया, अब देखो रजिस्टर क्या होता है, देखो रजिस्टर तुम्हारा ये कॉपी वाला रजिस्टर नहीं है जिसमें तुम नोट्स बनाते हो या कुछ करते हो, ठीक है। तुम्हारा रजिस्टर क्या है, रजिस्टर और प्रोसेसर रजिस्टर हम कह दें, ठीक है, रजिस्टर भी कह सकते हो या तो तुम इसे कह दो प्रोसेसर रजिस्टर, ठीक है, प्रोसेसर रजिस्टर, ठीक है, इन दोनों में से तुम कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रोसेसर रजिस्टर दे आर दी स्मॉल यूनिट्स ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस, ठीक है, ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। रजिस्टर क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। अब CPU रजिस्टर को क्यों यूज़ करता है, टू होल्ड दी सम इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ टाइम प्रोसेसिंग इज टेकिंग प्लेस। अब देखो जैसे कि मैं मोबाइल में कैशे फाइल नहीं बन जाती है, ठीक है, जब तुम कुछ काम कर रहे होते हो, ठीक है, उसको सेव करने के लिए वो टेम्परेली एक जगह बना देता है, ठीक है, टेम्परेरी, और वहाँ पे तुम्हारा डेटा स्टोर कर देता है, ठीक है, जब भी तुम्हारा डेटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अभी वो प्रोसेस होकर आउटपुट में नहीं बनाया, लेकिन जो भी हुआ जो भी हो रहा उसे वो एक टेम्परेरी जगह में स्टोर कर लेता है, ठीक है।
अब इट में स्टोर सम पार्ट और डेटा और सम मेमोरीज एड्रेस और सम इंस्ट्रक्शन इन द प्रोसेसर रजिस्टर, ठीक है, वो तुम्हारे प्रोसेसर रजिस्टर में कुछ पार्ट डेटा को कुछ पार्ट भी स्टोर कर सकता है, या उसका एड्रेस कहाँ से मीन्स कौन से पार्ट से आ रहा है वो, ठीक है, और उसके कुछ हमारा पार्ट नंबर वन, ठीक है। मिलते हैं अपने पार्ट नंबर टू में, और पार्ट नंबर टू में हम क्या पढ़ेंगे, हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।